हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सूरज और मैं आज आपके बीच पुनः लेकर आया हूँ 9 क्लास का कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन का 9 क्लास के कंस्ट्रक्शन का यह तीसरा वीडियो है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसे उसी चैप्टर का जिस चैप्टर का वीडियो जो है जस्ट इससे पहले मैंने दिया था आपके लिए कंस्ट्रक्शन का, तो उस रचनाओं को बनाने के लिए सीखते हैं। इसमें क्या है कि उसमें दो भुजाओं का योग था, इसमें तीनों भुजाओं का योग जो है दिया हुआ है। तो तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है, तो सवाल को देख लेते हैं कि एक त्रिभुज है, बनानी है आपको एक्स वाई जेड की रचना करनी है, जिसमें वाई इक्वल टू 30 डिग्री और जेड का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, और आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है वो टोटल तीनों मिलकर के तीनों साइड का योग जो है वो कितना हो जाता है, वो 11 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसमें जितना सम हो जाता है उतने ही सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखनी है हम लोगों को। यहाँ से 11 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिया गया। अब इस पर जो है यहाँ पर और यहाँ पर, जैसे कि वाई और वो जेड बोल रहा है, तो यही वाला वाई होगा और ये जेड। तो यहाँ पर वाई जेड जो बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को ए और इसको बी मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ए बी जो है वो है। और अब क्या करना है, यहाँ पर हम कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 30 डिग्री का यहाँ पर कोण बना लेते हैं। ये 30 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब इस 30 डिग्री के एंगल को भी समद्विभाजित करनी है, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाना है, उससे भी समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने का मतलब कि उसे भी दो भागों में बांट देना है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे तो बांट देंगे, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना लेते हैं। 90 डिग्री के एंगल को बना लेने के बाद उसे भी समद्विभाजित करेंगे, यानी कि उसे भी आधा से अधिक यहाँ पर लेते हैं और आधा से अधिक लेकर के यहाँ पे इसको जो है कट कर लेते हैं, जिसके बाद जो है ये यहाँ पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको जो है यहाँ इसे ऐसे मिला करके इसको आगे की ओर खींचते हैं, ठीक है। और ये जो 15 डिग्री मैंने बताया था, 30 डिग्री का जो आधा है वो 15 डिग्री बनाना है, और पुनः जो है इसको क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है। जैसे इसको बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट पे ये मिलेगा उस पॉइंट को जो है हम क्या कहेंगे, एक्स मान लेंगे कि वो पॉइंट हमारा क्या है, एक्स है वो पॉइंट। अब देखिए कि ये जो लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है इसे, और यहाँ पर से जो यहाँ तक आया है वो लाइन, इस लाइन को हम क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इस लाइन को समद्विभाजित करना है, यानी कि आपका ए एक्स को समद्विभाजित करना है, यहाँ पर बी एक्स को समद्विभाजित करना है। तो ए एक्स को समद्विभाजित, रेखा को समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, आधा से अधिक लाइन को लेते हैं इधर भी और आधा से अधिक इधर भी, यहाँ से उस लाइन को कट करना है, ठीक है, यहाँ से उस लाइन को कट करना है। अब इस लाइन को भी यहाँ पर जो है आधा से अधिक ले लेते हैं, ऊपर की तरफ आधा से अधिक नीचे की तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि किसको किससे मिलानी है, ये वाले को इससे ऐसे करके मिला देनी है, और उसी तरह से इस वाले को पूरे का पूरे इससे मिला देना है।
अब ध्यान रखना है कि जिस बिंदु को, ये जो ए बी है, जहां पर इसको काटा है वो आपका क्या हो जाएगा, वाई रख लेना है, और इस ये पॉइंट्स जो काटा गया है इसको आपको जेड लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल तो हमको, अब यहाँ पर से इसको सीधे सीधे मिला देना है, बिना किसी डाउट के इसको सीधे सीधे क्या करना है, मिला देना है यहाँ से, और ये बिंदु चूंकि यहाँ पर आया है तो इसको ऐसे करके मिला देना। देखिए ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल जैसा बना है, ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो आपका एक्स वाई जेड जो हुआ वो टोटल जो है आपका एक्स वाई जेड जो है वो बन के रेडी है आपका, एक्स वाई जेड जो है वो आपका बन के रेडी है, एक्स वाई जेड का जो सम होगा इसका, इसको मेजर कर लिया जाए तो ये 11 हो जाएंगे। ये देखिए 4.5 ये है, 3.5 ये हुआ, और फिर ये जो है वो 3 है, तो यहाँ पर देखेंगे 4.5 प्लस 3.5 प्लस 3, तो कुल मिलाकर के आप जब सम करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा भाई, तो 11 हो जाएंगे आपके, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल के इस वीडियो को, तथा अगर आपने पहली बार आप मेरे इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।